हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 54वां जिला बनाया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज का हम वीडियो में जानेंगे कि जो 54वां जिला है नागदा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका इतिहास जानेंगे, और साथ ही में जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश का गठन कब कब और कौन कौन से नए जिले जोड़े गए, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उज्जैन का नागदा मध्य प्रदेश का 54वां जिला, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि उज्जैन का नागदा जो है वह मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनेगा, घोषित किया है। उन्होंने घोषणा की है कि ये जो नागदा होगा वह 54वां जिला होगा, और इसके पहले जो रीवा का जो मऊगंज है उसके जिला होने की भी घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं पहले ही, कुछ समय पहले। और इसके बाद से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल अभी 52 जिला है जिसमें कलेक्टर पदस्थ 53वां जिला हो जाएगा, जो रीवा का जो मऊगंज है वो 54वां जिला हो जाएगा ये नागदा। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है उन्होंने नागदा में एक रोड शो किया, और उन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर में एक सभा को भी संबोधित किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी तहसील है इससे नए जिले यानी नागदा में शामिल होना चाहती हैं वह खुशी से शामिल हो सकती हैं। और इसके बाद जो रीवा का जो मऊगंज जिला है, मतलब जो रीवा के जो रीवा को अलग करके जो मऊगंज जिला बनाया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सामुदायिक भवन और जो CM राइज स्कूल है वो भी खोले जाएंगे रीवा में। और उसके बाद उन्होंने उन्हेल को एक तहसील बनाने की भी घोषणा की है कि उन्हेल जो है वह एक तहसील बना दी जाएगी। और उसके बाद से ही जो ये सारी खबरें न्यूज में हमें देखने को मिल रही है। अब लंबे समय से हो रही थी मांग, ये जो अभी जो नागदा जो को जिला घोषित किया गया इसकी मांग भी काफी समय से चल रही थी। तो सबसे पहले इसकी मांग शुरू होती है साल 2008 से ही नागदा को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, और उसके बाद साल 2018 में कांग्रेस सरकार आती है और वह इसके लिए अधिसूचना भी जारी करती है, लेकिन सरकार के बदल जाने के बाद यह मामला बीच में अटक जाता है। और उसके बाद अब नए जिले बनने के बाद अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो तहसीलें हैं वो शामिल की जाएंगी इस नए जिले। अभी कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं आया, लेकिन ये जो तहसील है वह शामिल हो सकती है। तो उज्जैन की जो खांचरौद, पचलाना और भाट तहसील, और रतलाम की ताल और आलोट तहसील, ये अभी संभावना है कि ये नए जिले नागदा में शामिल हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो नागदा में उसका कितना क्षेत्रफल, नागदा जो है उसका कुल क्षेत्रफल 102 किलोमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 1736 फीट है, और जो इसकी जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या है कुल 1,39,000 जनसंख्या है इसकी। अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करें, यानी नागदा का इतिहास। तो बताया जाता है ऐसा कि जो नागदा है वह बहुत एक प्राचीन शहर है, और यह महाभारत काल से लेकर, मतलब महाभारत काल में इसका केवल अस्तित्व ही नहीं था बल्कि इसका महत्व भी था। और ऐसा बोला जाता है कि उज्जैन का जो नागदा शहर है या उज्जैन का जो नागदा जो जिला है वह महाभारत युद्ध जीतने वाले पांडवों के इतिहास में इसका उल्लेख है। ऐसा प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो पांडवों के जो पुत्र थे राजा जन्मेजय, उन्होंने नागों के दाग के लिए एक विशाल यज्ञ करवाया था, और उसी के बाद इस स्थान का नाम नागदा पड़ा, इसलिए इसे महाभारत काल से पांडवों से संबंधित माना जाता रहा है। अब हम बात करें इसके अस्तित्व की, यानी कि जो नागदा जो जिला घोषित किया गया है वह अस्तित्व में कब आएगा। यदि मुख्यमंत्री अभी तत्काल से ही जो इसकी गठन की जो प्रशासनिक एक प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होती है, उसको शुरू कर देते हैं, तो ये संभावना है कि जो 26 जनवरी 2024 को जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 15 अगस्त 2024 तक ध्वजारोहण की पूर्ण संभावना है या सुनिश्चित किया गया है। और उसके अब ये जो रीवा का जो मऊगंज है इसकी घोषणा काफी पहले हो गई थी, तो इसका अस्तित्व अभी 15 अगस्त ये जो 2023 वाला है उसी में ये अस्तित्व में आ जाएगा, रीवा का मऊगंज जिला। और अब इसके जिले, मतलब जिला घोषित होने के बाद अब मैहर, पाडुना, चाचौड़ा और सिरोंज,
ये जिलों की भी काफी मांग हो रही है कि इन्हें भी जिले घोषित किए जाए। तो अब यदि आने वाले समय में यदि कोई जिला नया बनकर सामने आता है तो इन्हीं में से अब हमें देखने को नया जिला मिलेगा। इनमें से कौन कौन से आते हैं, अब हम देखें मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन यानी कि स्वतंत्रता के पहले से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थिति क्या हुई, और जो हमें बीच बीच में जो भी नए जिले इसमें शामिल किए गए, अब हम उसको एक क्रम से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो जो इसको साफ कर देते हैं, जो स्वतंत्रता से पहले यानी कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था, और स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांटा गया, यानी कि इसके तीन भाग कर दिए गए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब हम इसमें एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो जो पार्ट ए था उसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड शामिल था, बघेलखंड यानी छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था, और जो पार्ट ए था उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र, और जो पार्ट बी था इसमें पश्चिमी रियासतें शामिल थी स्वतंत्रता के पहले की, ये नहीं स्वतंत्रता की ये बात की बात है यानी 1947 के बाद की, तो पश्चिमी रियासतें, और इसका नाम था मध्य भारत। और जो पार्ट सी थी, पार्ट सी था इसमें उत्तर की रियासतें शामिल थी यानी उत्तरी रियासत, और इसमें इसमें भोपाल भी शामिल था, पार्ट सी में भोपाल भी शामिल था। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है साल 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1953 में, एक गठित किया जाता है एक राज्य पुनर्गठन आयोग जिसका नाम होता है, वह अपनी रिपोर्ट साल 1955 में सौंपता है, और इस आयोग की अनुशंसा पर एक नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया, और जो नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया था वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अब इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अब हम वो देखते हैं एक एक करके कि जो जब 1 नवंबर 1956 में जो गठित हुआ था नया मध्य प्रदेश, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे इनसे। तो जो पार्ट ए था, पार्ट ए के जो पार्ट ए में कुछ जैसे शामिल था जैसे बुलढोना, अमरावती, यवतमाल और चांदा, भंडारा, वर्धा और नागपुर, ये जो इतनी स्टेट थी इसको मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में तत्कालीन मुंबई में इसको शामिल कर दिया गया, इतनी 8 स्टेट को, और बाकी का जो पार्ट ए था वह मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, बाकी का जो पार्ट ए था वह पुनः मध्य प्रदेश में मिला। अब पार्ट बी में क्या परिवर्तन किया गया, तो पार्ट बी में परिवर्तन किया गया कि जो राजस्थान जिले की जो कोटा तहसील की एक सिरोही जो जगह थी उसको मध्य प्रदेश की विदिशा जो जिला थी उसमें शामिल कर दिया गया, और बाकी का जो पार्ट और इसके अलावा जो पार्ट बी में किया गया था कि जो मंदसौर जिले की जो सुनेटप्पा जो तहसील थी उसको छोड़कर, यानी कि जो सुनेटप्पा जो तहसील थी उसको छोड़कर उसका जो पार्ट बी था वह वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, और इसके बाद पार्ट सी में यानी कि विंध्य प्रदेश का पूरा का भाग अब वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया पार्ट बी का, और साथ ही भोपाल को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब उसके बाद जो भोपाल थी वह वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, और जो भोपाल थी वह पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी, मतलब भोपाल पहले एक तहसील थी और वो भी सीहोर जिले की। उसके बाद जो था कि जो नवनिर्मित मध्य प्रदेश था यानी कि जो गठन के बाद 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश आया था उसमें कुल 43 जिले थे, और उसके बाद इसमें कई परिवर्तन हुए। उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें होता है कि जो 1972 में सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले शामिल किए गए। राजनांदगांव है जो ये अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, इसमें दो नए जिले शामिल किए गए, तो कुल जिलों की संख्या हो जाती है 45। फिर उसके बाद 1998 में
यानी कि 1998 में पीवी दुबे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है और उसमें इसी यानी मतलब 1998 में पीवी दुबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का एक गठन किया जाता है और उसकी अनुशंसा पर उस आयोग की अनुशंसा पर 25 दिसंबर सन 1998 को 16 नए जिले शामिल किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो इन 16 जिलों के शामिल किए जाने पर मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 61, कुल 61 जिले हो जाते हैं। और उसके बाद समय आता है मध्य प्रदेश के विभाजन का। तो मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है 31 अक्टूबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो था उसको अलग कर दिया जाता है और जो नया मतलब जो छत्तीसगढ़ में 16 जो जिले थे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो 16 जिले थे वह छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और उसके बाद जो 45 जिले वो बचते हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि 2000 में कुल 45 जिले थे। अब उसके बाद 2003 में तीन नए जिलों की घोषणा की जाती है। वो तीन नए जिले कौन थे? एक था बुरहानपुर, दूसरा था एक था अशोकनगर और एक और था जो बुरहानपुर था वो वह खंडवा से अलग हुआ था और जो अशोकनगर था वह गुना से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था। तो 2003 में तीन नए जिले बनते हैं। तो उसके बाद जो जिलों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 48। और साल 2008 में दो नए जिले बनते हैं। एक बनता है अलीराजपुर। और जो सिंगरौली होता है वो सीधी से अलग होता है, अलीराजपुर जो होता है वह झाबुआ से अलग होता है। तो 2008 में जिलों की संख्या हो जाती है 50। फिर 2013 में एक नया जिला बनता है, वो आगरमालवा जिसका नाम होता है वो शाजापुर से अलग होता है, आगरमालवा और ये शाजापुर से अलग होकर बनता है। तो 2013 में जो कुल जिले थे वो हो जाते हैं 51 जिला होता है। और 1 अक्टूबर 2018 को एक नया जिला बनता है टीकमगढ़ से अलग होकर, उसका नाम होता है निवाड़ी। तो इसके बाद निवाड़ी के बाद जो कुल जिलों की संख्या होती है वो हो जाती है 52 और वर्तमान में अभी 52 जिले। और 53 नंबर का जिला है रीवा का मऊगंज और जो 54 नंबर का जिला है वो बनाया गया नागदा को। ये था पूरा मध्य प्रदेश का जो गठन था शुरू से लेकर अब तक का, वर्तमान तक का, उसको हमने विस्तार से देख लिया। थैंक यू।